वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल LLB यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई केस किसी भी कोर्ट में चल रहा है तो आप घर बैठे कैसे जान सकते हैं कि उसमें अगली तारीख क्या पड़ी है और केस का स्टेटस क्या है, केस किस स्टेज पे चल रहा है, वो सारा कुछ आप घर बैठे जान सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर बाई फॉल्ट अगर आपसे कोई किसी भी कोर्ट की कोई तारीख मिस हो जाती है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से ही अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं, उसमें पड़ने वाली अगली तारीख कौन सी पड़ी है ये भी घर बैठे जान सकते हैं और फाइल किस स्टेज पे चल रही है ये भी आप घर बैठे जान सकते हैं। वैसे मैं इस टॉपिक पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस वीडियो को मैं शॉर्ट करूँगा ताकि आप लोग समझ पाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि यही क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा गया है। यही सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने ई कोर्ट सर्विस करके एक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है पहले से, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही ऐप है, ऐसा नहीं है किसी स्पेशल स्टेट के लिए ये ऐप नहीं है, ये पूरे इंडिया के सभी स्टेट में लागू है, ठीक है, सभी स्टेट में ये काम करेगा, ठीक है। तो इसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो इसीलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे मैंने ओपन कर लिया तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपको किसी केस का CRN नंबर पता है तो आप यहां पर CRN नंबर डाल करके डायरेक्ट इसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे CRN नंबर तो नहीं पता है, मुझे सिर्फ केस नंबर पता है, तो केस नंबर से हम अपने केस का स्टेटस कैसे जान सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो आपको इसके लिए क्लिक करना होगा केस स्टेटस पे, जो कि मैंने अभी क्लिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे अपने केस का स्टेटस जानने के लिए। मतलब ये है कि अगर आपके पास केस नंबर है, ठीक है, तो आप केस नंबर से अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। अगर आपके पास फिलिंग नंबर है तब भी आप अपने केस का स्टेटस बड़ी आसानी से जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आपको एडवोकेट नेम पता है, तो एडवोकेट नाम को सर्च करके भी आप अपने केस को ढूंढ करके जो है केस स्टेटस जान सकते हैं। ऐसे ही केस टाइप हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है लेकिन पार्टीज़ के नाम पता हैं तो आप पार्टी के नाम सर्च करके उनमें से ढूंढ करके अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। बहुत सारे केसेस की लिस्ट आ जाती है, उसमें से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके देख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं पता है तो। लेकिन अगर आपको FIR नंबर यानी कि क्राइम नंबर, जिसे हम हिंदी में अपराध संख्या बोलते हैं, अगर आपको वह भी पता है तो आप FIR नंबर पर क्लिक करके भी जो है उसमें आप FIR नंबर डालेंगे, सारा कुछ जो भी डिटेल्स हैं वो ऐड करेंगे, तब भी आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको धाराएं पता हैं तो धाराओं के अकॉर्डिंग भी केस को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उनमें से ढूंढ करके आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप केस नंबर से कैसे अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इसमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी। आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है कि आपको अपना प्रदेश चुन लेना है, आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स के नाम है, तो यहाँ पर मैं यूपी का रहने वाला हूँ इसलिए मैंने यूपी सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में केस चल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर ये जो केस रिलेटेड है ये है एटा से, एटा कोर्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर मैं एटा सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ऊपर लिख जाएगा उत्तर प्रदेश और यहाँ लिख जाएगा एटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केस नंबर अगर आपको पता है तो यहाँ पर आपको केस नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है, किस कॉम्प्लेक्स में ये केस चल रहा है, तो ये एटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये केस चल रहा है, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप केस किस तरह का है, जिस केस का आप स्टेटस जानना चाहते हैं वह केस किस तरह का है, तो ये जो मेरा केस है वो क्रिमिनल केस से रिलेटेड है, ठीक, क्रिमिनल केस ही है, ठीक है, स्टेट क्रिमिनल केस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिमिनल केस, तो इस पर मुझे सेलेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिएगा क्रिमिनल रिवीजन, क्रिमिनल मिसलेनियस, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है ना, तो बहुत सारे फाइनल रिपोर्ट, फर्स्ट अपील, ये मेंटेनेंस का केस जो होते हैं ना,
और मोटर एक्सीडेंट क्लेम के NDPS ओरिजिनल सूट जो सिविल केस होते हैं, जो जितने भी सिविल केस होते हैं वो OS इस बटन पे क्लिक करने के बाद उनका केस नंबर यानी कि OS नंबर डाला जाता है, उसके बाद सर्च किया जाता है। तो आई मीन सबका है, किस तरह का किसी भी प्रकार का केस हो आप इसके द्वारा सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा केस क्रिमिनल केस है, ठीक है ना, मारपीट से रिलेटेड है। आई मीन जिससे भी आपका केस रिलेटेड हो, जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो केस बिजली का केस से रिलेटेड है, ठीक है। आई मीन जिन मामलों में FIR दर्ज होती है वो सारे क्रिमिनल केस होते हैं, ठीक है, जिसमें FIR दर्ज हो रही है या फिर NCR दर्ज हो रही है, वो सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिमिनल केस मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आप इंटर क्रिमिनल सॉरी केस नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं केस नंबर डाल देता हूँ 1872, ये मैंने केस नंबर डाल दिया। उसके बाद ईयर डालेंगे, जिस समय ये केस नंबर जनरेट हुआ है जिस ईयर में, ठीक है, तो वो ईयर पर डाली जाएगी। तो यहाँ पर मैं ईयर डाल देता हूँ 2018। उसके बाद मैं सर्च ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, गो बटन पे। तो जैसे ही मैंने गो बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस केस नंबर से इन तीन कोर्टों में, यहाँ पे तीन कोर्ट आ गए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेरा केस किस टाइप का है, किस मतलब कौन सा कोर्ट इस केस पर सुनवाई करेगा, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप तीनों को सर्च करके देख सकते हैं, खोल करके ओपन को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है, आई मीन यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे नहीं पता है और मैंने अगर कोई केस सर्च किया तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये जो मेरा केस है ये बिजली के केस से रिलेटेड है। आई मीन इसका जो टाइटल है वो ये है, सरकार बनाम शिवराज सिंह, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सर्च कर लेता हूँ कि कौन सा है। यहाँ पे तीन कोर्टों में अलग अलग एक एक केस दिखा रहे हैं इस नाम से, इस केस नंबर से। तो चलिए मैं इसको सर्च कर देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ये सिविल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, चीफ जुडिशियल CJM में जो केस है सरकार बनाम सचिन, ये तो मेरा है नहीं क्योंकि मेरे में तो शिवराज सिंह करके है। तो इस पर मैं इसे बंद कर दूंगा। फिर मैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर यह है सरकार बनाम दिलसाथ, ये भी मेरा केस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सरकार बनाम शिवराज सिंह, यही मेरा केस है। आई मीन ये जो केस है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, धारा 135 के तहत है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मुझे आई मीन इतना पहचान हो जानी चाहिए, मुझे पता है कि भाई ये केस किसके नाम से चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सर्च कर लिया। यहाँ पर देख लिया केस की जो बाकी डिटेल्स है वो भी आ रही है। जैसे ही आप केस को क्लिक करेंगे तो इस तरह की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे देखो केस टाइप भी लिखा जाएगा, किस तरह का केस है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्रिमिनल केस, फिलिंग नंबर भी आ गया, ठीक है ना, और जो फिलिंग डेट आ रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा हुआ है यही केस नंबर होता है। आई मीन जो भी ST है या OS नंबर है वो यही नंबर होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट है। और CRN नंबर है, ये CRN नंबर से भी आप अपने केस को जो है सर्च कर सकते हैं। सर्च का मतलब ये है डायरेक्ट अपने केस को ओपन कर सकते हैं, इस ऐप के ज़रिए उसका डायरेक्ट स्टेटस देख सकते हैं। तो आप इसे नोट करके रख सकते हैं ऊपर वाली डिटेल्स, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। CRN नंबर है, फिलिंग नंबर है, केस जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। बाय द वे अगर आप केस नंबर भूल भी जाते हैं तब भी आप जो है CRN नंबर से अपने केस को आसानी से जो है अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है केस स्टेटस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट हियरिंग डेट थी जो कि थी 19/3/2019, 19/3/2019 को ये केस शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग डेट आई मीन जो बीच की जो तारीखें हैं वो उसमें छुपा दी हैं। लास्ट जो आई मीन नेक्स्ट हियरिंग डेट जो दिखा रहे हैं वो 22/11/2019 दिखा रहा है, ये डेट आने वाली है, ठीक है, ये इस डेट पर कोर्ट में तारीख है। तो इस पर डेट पर आपको जाना होगा। जो केस है वो कौन सी स्टेज है, यहाँ लिखा हुआ है स्टेज ऑफ केस, किस स्टेज पर है, किस प्रोजिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पर ये केस है, ठीक है ना, यानी कि जो कोर्ट में जो अभियोजन पक्ष की तरफ से एविडेंस प्रस्तुत किए जाएंगे या किए जाएंगे, ठीक है, किस कोर्ट में है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल जज एसेंशियल एंड कमोडिटी एक्ट, ये जो कोर्ट का नाम है, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाएगा कि किस कोर्ट में। तो यहाँ से ये आपको पता चल गया और यहाँ पर ये पता चल गया कि कोर्ट में अगली डेट कौन सी है, तो कितनी है 22/11/2019। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पिछली डेट कौन सी थी, ठीक है, तो वो भी आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा नीचे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 19/3/2019 को पहली डेट पड़ी थी, ठीक है, उसके बाद
कौन सी डेट पड़ी? 12/6/2019, उसके बाद 13/6/2019, उसके बाद 23/7/2019, उसके बाद 5/11/2019, उसके बाद 1/11/2019 डेट पड़ी थी, और 1/11/2019 के बाद जो अगली डेट पड़ी है वो है 22/11/2019। यहाँ पे वो सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है पिछली डेट्स का भी, और जो लेटेस्ट डेट अब पड़ी है जो आने वाली है वो 22/11/2019 है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है शुरुआत में 22/11/2019, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो इस डेट पे आपको जाना है, और यहाँ पर लिखा ये भी देख लीजिएगा आप कि यहाँ पे जो हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे स्टेज भी लिखा हुआ है कि किस स्टेज पर केस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ठीक है। तो इस स्टेज पर आपका केस चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ से QR कोड भी अगर आप लेना चाहते हैं तो QR कोड को भी शेयर करके अपने आप मोबाइल में कंप्यूटर में रख सकते हैं, इसके द्वारा भी आप स्कैन करके जो है अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। पटिशनर एडवोकेट यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकार की तरफ, ये सरकार की तरफ से जो लॉयर है उनका डिटेल्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेस्पोंडेंट एडवोकेट, यहाँ पे रेस्पोंडेंट का नाम लिख के आ रहा है, एडवोकेट का नाम लिख के नहीं आ रहा है, वैसे आना चाहिए, उन्होंने फीड नहीं किया होगा जिन्होंने भी ये कंप्यूटर पर फीड किया है केस। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है शिवराज सिंह, ठीक है। कौन कौन सी धाराएँ हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 135 इन पर लगी हुई है, जो कि बिजली से रिलेटेड है। FIR के बारे में हम डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम लिख के आ रहा है, FIR नंबर लिख के आ रहा है, और ईयर भी लिख के आ रही है। यहाँ पर क्या है कि हम अगर हमारे पास FIR नंबर भी है, इसी को ही हम क्राइम नंबर, इसी को ही हम अपराध संख्या कहते हैं, क्लियर। अगर ये भी है तब भी आप अपने केस का स्टेटस बड़ी आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर नहीं है तो आप इसे नोट करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। हर केस का अपना एक अलग FIR नंबर होता है, जो भी अगर मान लीजिए कि किसी थाने में जाकर के कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, अगर कोई स्टेट केस है तो उसका FIR नंबर होगा ही, ठीक है। तो FIR नंबर हो तब भी आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका केस का स्टेटस क्या है, तो आप जान सकते हैं कि अगली केस में तारीख कौन सी लगी है, तो वो लिखा हुआ है। स्टेज ऑफ केस क्या है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। किस कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ और आपको FIR नंबर के द्वारा इसी केस का स्टेटस आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बैक आ गया हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है FIR नंबर। अगर मेरे पास FIR नंबर है, ठीक है, यानी कि क्राइम नंबर यानी कि अपराध संख्या अगर है, तभी मैं अपने केस का स्टेटस बड़ी आसानी से जान सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे किस कॉम्प्लेक्स में हमारा केस चल रहा है वो हमें सिलेक्ट करना है। दो कॉम्प्लेक्स हैं एटा में, तो जो मेरा केस है वो एटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पुलिस स्टेशन हमें सर्च करना है, जो कि थाना पिलुआ का है, तो मैं यहाँ पर पिलुआ सर्च करता हूँ। इसमें ढूंढता हूँ पिलुआ कहाँ पर है। यहाँ पर मैं आपको FIR के द्वारा, मतलब कि केस का स्टेटस बता रहा हूँ कि आप FIR के द्वारा कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थाना मुझे सेलेक्ट करना होगा पिलुआ। पिलुआ ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे इंटर FIR नंबर लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर मैं FIR नंबर लिख देता हूँ। FIR नंबर है 273, तो मैं 273 सेलेक्ट किया। उसके बाद जो FIR दर्ज कराई गई थी, कौन सी सन में दर्ज कराई गई थी, वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, 2018। सेलेक्ट करने के बाद अगर मान लीजिए कि केस ख़त्म हो गया है तो आप डिस्पोजल पे डिस्पोजल पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी भी ये केस पेंडिंग में है या चल रहा है तो आप पेंडिंग लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ये केस चल रहा है या बंद हो गया, तो आप बोथ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये केस अभी वर्किंग में है, अभी कोर्ट में चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पेंडिंग इस पर लिख दूंगा। उसके बाद गो बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने FIR नंबर डाला था तो सिर्फ एक ही कोर्ट आया है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। क्योंकि एक साल में एक थाने से एक ही FIR जनरेट होती है एक नंबर पर, ठीक है ना, FIR नंबर एक पर एक ही FIR दर्ज होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ गया सरकार बनाम शिवराज सिंह, ठीक है ना। FIR नंबर यहाँ पर लिख के आ रहा है, ठीक है, केस नंबर भी लिख के आ रहा है। तो चलिए मैं इस पर एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा वही सारी डिटेल्स आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप केस नंबर या फिर जो है FIR नंबर से अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको CRN नंबर पता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप CRN नंबर भी लिख लेते हैं और बाद में अगर आप मान लीजिए कि केस नंबर भूल जाते हैं या फिर केस नंबर से सर्च नहीं हो रही है आपकी फ़ाइल या फिर जो है FIR नंबर से, वैसे तो जनरली सर्च हो ही जाती है लेकिन अगर बाई फॉल्ट कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर ऑप्शन है CRN नंबर का। तो अगर आप CRN नंबर नोट करके रखते हैं तो आप CRN नंबर डाल के भी अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। यहाँ पर CRN नंबर डालेंगे और जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका केस आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप जान ही गए होंगे कि आप किस तरह से अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं, कैसे उसमें कौन सी तारीख पड़ने वाली है ये जान सकते हैं। इस तरह से आप तारीख जान करके केस पर नज़र रख पाएंगे और अपने केस पर सही तरीके से कार्रवाई कर पाएंगे, ये भी जान पाएंगे कि केस का स्टेटस क्या है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।